Hello students, how are you all? Welcome to SK English Classes Test Analysis Series and today we discuss over Airforce Test jiska naam hai SKAF01AWKN. So first 1 to 5 questions hamare passage based hai. So start karte hain discussion ko. First question hai hamara, what is the opinion of most of the people about literature? कहते हैं कि what is the opinion, क्या opinion है most of the people, बहुत से लोगों का about literature, literature के बारे में, साहित्य के बारे में ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, क्या opinion देते हैं, ये हमसे पूछा गया है. second question है antonym पूछा गया है conclude का antonym क्या होता है. third question है according to the author, author के according जो है, अब ये चार बातें बताई गई हैं options में, ये हमें बतानी है कि author का के according क्या चीज़ सही है. ठीक है, तो ये जो है हमें passage पढ़ के पता चलेगा. फोर्थ क्वेश्चन है द ऑथर फील्स दैट वी कैन नॉट हैव द ग्रेटनेस ऑफ, ऑथर क्या फील करता है कि हम में किस चीज़ की ग्रेटनेस नहीं है. ठीक है, वी कैन नॉट हैव, हमारे में जो है किस चीज़ की ग्रेटनेस नहीं हो सकती, किस चीज़ की नहीं हो सकती, देखते हैं. ऑप्शन नंबर फाइव, सॉरी क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है व्हाट आर द क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग ए बुक, किस तरीके की क्वालिटीज़ जो है ज़रूरी होती हैं एक बुक को रीड करने के लिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पैसेज को पढ़ना. कहता है इफ़ दिस इज़ सो, if to read a book as it should be read calls for the rarest qualities of imagination, insight and judgment. देखो क्या कहता है कि if this is so, अगर ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा है, if to read a book, कि एक book को read करते हुए, एक अगर हम एक book को read करते हैं as it should be, जिस तरीके से वो read की जानी चाहिए. ठीक है, एक read book को read करना जिस तरीके से वो read की जानी चाहिए. ठीक है, calls for means, अभी कॉल्स फॉर जो है क्या मीनिंग होता है, कॉल्स फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, कॉल्स फॉर का मतलब डिमांड करना. तो यहाँ जो है एक बुक को रीड करना जैसे कि उसको रीड किया जाना चाहिए, तो इस चीज़ के लिए क्या ज़रूरी है, ये क्या चीज़ डिमांड करती है, ये डिमांड करती है द रेयरेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ इमेजिनेशन, एक बहुत ही रेयरेस्ट क्वालिटी जो कि सब में नहीं पाई जाती, किस चीज़ की, इमेजिनेशन की, कल्पना करने की, इनसाइट दूर तक देखने की और जजमेंट करने की, यानी कि चीज़ों को परखने की. तो हमसे लास्ट क्वेश्चन में ये पूछा भी गया था कि एक बुक को रीड करने के लिए हमारे पास कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो इमेजिनेशन, इनसाइट एंड जजमेंट. ठीक है, यू मे परहैप्स कंक्लूड दैट लिटरेचर इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स आर्ट एंड दैट इट इज़ अनलाइकली दैट वी शैल बी एबल इवन आफ्टर ए लाइफ टाइम ऑफ रीडिंग टू मेक एनी वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इट्स क्रिटिसिज्म. क्या कहता है, देखो यू मे परहैप्स, आप जो है शायद ये क्या कर लेते होंगे, कंक्लूजन निकाल लेते होंगे, यू मे परहैप्स कंक्लूड, ये कंक्लूजन निकाल लेते होंगे, ये एट द एंड आप जो है ये डिसीजन ले लेते होंगे दैट लिटरेचर इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स आर्ट, कि लिटरेचर जो है बहुत ही मुश्किल आर्ट है, बहुत ही ऐसा आर्ट है जो कि समझ में नहीं आता है, एंड दैट इट इज़ अनलाइकली. अब देखो अनलाइकली बता रहा है, ठीक है, अगर यहाँ लाइकली होता तो इट मीन्स ये आगे आने वाली बात को क्या बता रहा है, एज इट इज़ जो है उसके समान बता रहा है, इक्वल बता रहा है, लेकिन अगर अनलाइकली लगाया तो इसका मतलब ये जो आगे आने वाली बात बताएगा ना उसमें जो है अपने आप ही नॉट आ जाएगा. ठीक है, उसमें अपने आप ही क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा. ठीक है, तो उसके अपोजिट यानी कि कोई चीज़ बता रहा है, उसके अनइक्वल बता रहा है. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर आप जो है क्या करते होंगे, ये कंक्लूजन निकाल लेते होंगे कि लिटरेचर जो है कैसा आर्ट है जो कि समझ में नहीं आता. ठीक है, एंड दैट इट इज़ अनलाइकली दैट वी शैल बी एबल, और जो है हम एबल हो जाएंगे. अब देखो इसका मतलब एबल हो जाएंगे नहीं होगा, अब इसका मतलब होगा हम एबल कभी नहीं हो पाएंगे क्योंकि अनलाइकली लग गया. ठीक है, हम एबल जो है कभी नहीं हो पाएंगे इवन आफ्टर ए लाइफ टाइम ऑफ रीडिंग, बहुत लंबे टाइम की रीडिंग करने के बावजूद भी, पूरे लाइफ भी अगर हम बिता दें रीडिंग करने में, तो भी जो है हम एबल नहीं हो पाएंगे टू मेक एनी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, कोई वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन देने में टू इट्स क्रिटिसिज्म, इसके क्रिटिसिज्म में. अब क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म एक नेगेटिव वर्ड है, क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना करना, निंदा करना, किसी की बुराई करना, लेकिन यहाँ क्रिटिसिज्म का मतलब जो है वो नेगेटिव सेंस में नहीं है, क्योंकि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट क्रिटिसिज्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ लिटरेचर, अगर हम लिटरेचर के टर्म में अगर क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो क्रिटिसिज्म का मतलब किसी की निंदा करना नहीं होता. जैसे किसी ने कोई बुक लिखी, अब
लिटरेचर में जो है ऐसे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही महानुभाव लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, बहुत बहुत वाइज होते हैं, ठीक है, बहुत जो है अपने फील्ड में बहुत ही महारत ही होते हैं, तो वो लिखी हुई बुक्स को जो है पढ़ते हैं, उसको जो है उसका विश्लेषण करते हैं, उसको समझते हैं और उसके बारे में जो अच्छी चीज़ें हैं या बुरी चीज़ें हैं उसको जो है कैटेगराइज करते हैं और अपना ओपिनियन देते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है क्रिटिक। तो अब उनको क्रिटिक कहा जाता है, इसका मतलब उनकी बुराई कर रहे हैं क्या? नहीं, क्रिटिक का मतलब उनकी बुराई नहीं करें, बल्कि क्रिटिक जो है उनको कहा जाता है, उनको आलोचक कहा जाता है, लेकिन ये एक बुरा वर्ड नहीं है, ठीक है, ये एक बुरा वर्ड नहीं है, बल्कि उनको जो है, बल्कि बहुत ही सम्मानजनक वर्ड है कि वो इतने सोफिस्टिकेटेड हैं, इतने वाइज हैं कि चीज़ों को परख लेते हैं और अपना ओपिनियन जो है बहुत अच्छे से दे पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम जो है लिटरेचर को ये मानते हैं कि भाई हमें तो समझ में नहीं आ रहा, ये तो बड़ा मुश्किल चीज़ है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि हम जो है कभी भी एबल नहीं हो पाएंगे इस चीज़ के लिए कि कभी हम किसी और किसी बुक के लिए या किसी लिटरेचर के लिए जो है कभी क्रिटिसिज्म वर्क का काम कर सकें, कभी ऐसा सहयोग कर सकें कि हम भी जो है अपना ओपिनियन उसके बारे में दे सकें, ठीक है। वी मस्ट रिमेन रीडर्स, हम जो है रीडर्स ही बनकर रह जाएंगे, केवल पढ़ने वाले ही बन के रह जाएंगे, ठीक है। वी शैल नॉट पुट ऑन द फर्दर ग्लोरी That belongs to those rare beings who are also critics. कहता है कि we shall not put, हम जो है नहीं डाल पाएंगे, हम put on मतलब add on कर देना, put on मतलब add कर देना, हम जो है add on नहीं कर पाएंगे the further glory. Further glory मतलब एक बहुत ही जो graceful चीज़ होती है, ठीक है, एक glory का मतलब होता है जो बहुत ही proud चीज़ होती है, तो हम जो है उस चीज़ को add नहीं कर पाएंगे जो कि belong करती है उन लोगों से जो कि क्या हैं, critics हैं, जो कि खुद क्या हैं, क्रिटिक्स हैं। तो हाँ, यानी कि अल्टीमेटली एट द एंड वो यही बोलना चाह रहा है कि हम जो है क्रिएटर्स बन के ही रह जाएंगे और कभी हम जो है क्रिटिक नहीं बन पाएंगे, क्यों? क्योंकि हम जो है चीज़ों को जो बुक्स हैं, जो लिटरेचर्स हैं, उसको समझ ही नहीं पाते, हम जो है उसको बहुत मुश्किल मानते हैं। क्यों मानते हैं मुश्किल? क्योंकि हमें वो क्वालिटी नहीं है जो क्वालिटी एक बुक डिमांड करती है हमसे उसको समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। What is the opinion of most of the people about literature? तो बहुत से लोग हैं वो लिटरेचर के बारे में क्या सोचते हैं, बहुत से लोग लिटरेचर के बारे में क्या सोचते हैं भाई? यहाँ दिया हुआ है कि लिटरेचर क्या है, वेरी कॉम्प्लेक्स आर्ट, ठीक है, वेरी कॉम्प्लेक्स आर्ट, यानी कि समझने में मुश्किल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है दैट इट इज़ नॉट ईजी, नॉट एन ईजी वन टू कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो कह रहा है कि लिटरेचर जो है ईजी नहीं है, यानी कि डिफ़िकल्ट है कुछ कंट्रीब्यूट करने में। तो लिटरेचर के कंट्रीब्यूशन की यहाँ बात तो है ही नहीं, यहाँ बात है रीडर के कंट्रीब्यूशन की कि किस तरीके से एक रीडर जो है क्रिटिक बनकर सहयोग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आएगा। बी की बात करते हैं दैट इट इज़ टू सम एक्सटेंट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। कहता है कि ये जो है कुछ हद तक डिफ़िकल्ट होता है, कुछ हद तक डिफ़िकल्ट होता है समझने के लिए। बिल्कुल यही बात की गई है कि लिटरेचर को मुश्किल बताया गया कि कुछ हद तक जो है मुश्किल होता है समझने के लिए। सी की बात कर लेते हैं दैट नो कंट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी फॉर लिटरेचर। लिटरेचर में कोई कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं होती तो ये पैसेज जो है बिल्कुल ही बेकार हो जाता, क्योंकि बात तो पूरे पैसेज में इस कंट्रीब्यूशन की ही हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं आएगा। डी की बात करते हैं दैट इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत समझने में बहुत ज़्यादा इजी है। तो इसका तो ये बिल्कुल अपोजिट बोल रहा है, जबकि कहा क्या गया है पैसेज में कि बहुत से लोग जो है इसको कॉम्प्लेक्स आर्ट समझते हैं, यानी कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड समझते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ ओवर राइट आंसर। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ कंक्लूड। अब देखो यहाँ आया था ना कंक्लूड वर्ड, यू मे परहैप्स कंक्लूड, यानी कंक्लूड का मतलब क्या होता है, एट द एंड कोई भी बात जो है अपनी हमने जो है एक डिसीज़न ले लिया, ठीक है, कि आखिर में जो है हमने कुछ भी सोच लिया और वही मान लिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंक्लूड, एट द एंड निकाला जाता है एंडिंग पॉइंट पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है कमेंस, कमेंस मीन स्टार्ट करना, एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर निकाल देना, एंड का मतलब होता है बिल्कुल एंड पे यानी अंत, और इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। तो कंक्लूड क्योंकि बिल्कुल एंड पे होता है तो इसका जो एंटोनिम रहेगा वो क्या रहेगा, कमेंस, कमेंस मीन्स स्टार्टिंग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ अस टू कॉन्ट्रीब्यूट एनी थिंग फॉर क्रिटिसिज्म। ऑथर के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है फॉर मोस्ट ऑफ अस, हमें से बहुतों के लिए, कि हम सहयोग कर सकें किसमें, क्रिटिसिज्म में। तो बिल्कुल ऑथर यही कहना चाहता है कि हम में से बहुत ऐसे हैं जो लिटरेचर को मुश्किल समझते हैं और हम जो है सहयोग नहीं कर सकते हैं इसे क्रिटिसिज्म में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही बोल रहा है। बी की बात करते हैं इट इज़ पॉसिबल टू डू समथिंग, इट इज़ पॉसिबल टू डू समथिंग, तो वॉट, क्या क्या करना जो है पॉसिबल है, तो ये बिल्कुल अनक्लियर जो है ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा।
सी की बात करते हैं, इट इज़ नॉट इवन ईजी टू अंडरस्टैंड लिटरेचर, कहता है कि लिटरेचर को समझना जो है ईजी है ही नहीं, नॉट इवन ईजी है ही नहीं, यानी कि मुश्किल बता रहा है। तो क्या ऑथर खुद ऐसा कह रहा है क्या कि लिटरेचर मुश्किल है? नहीं, वो बता रहा है कि बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि लिटरेचर मुश्किल है, बट ऑथर खुद नहीं बता रहा कि वो इवन उसको समझ ही नहीं सकते, ऐसा कुछ ऑथर नहीं बता रहा, ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा। डी की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू क्रिटिसिज्म ऑफ लिटरेचर, कहता है बहुत से लोग जो है कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लिटरेचर के क्रिटिसिज्म में, तो बहुत से लोग नहीं कर सकते, ये तो उल्टा बोल रहा है ना, क्योंकि पैसेज में कहा है कि बहुत से लोग नहीं कर सकते और ये कह रहा है कि बहुत से लोग कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज ओवर राइट आंसर। नेक्स्ट है, द ऑथर फील्स दैट वी कैन नॉट हैव द ग्रेटेस्ट ग्रेटनेस ऑफ, ऑथर क्या फील करता है कि हम में जो है किस तरीके की महानता नहीं है, किस तरीके की क्वालिटी नहीं है, राइटर की क्वालिटी, क्रिटिक्स की क्वालिटी, पब्लिशर की या रीडर की, तो आंसर क्या रहेगा? क्रिटिक की, क्योंकि बात सारी पैसेज में क्रिटिक की हो रही है, ऑप्शन नंबर बी इज ओवर राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग ए बुक, रीडिंग बुक को रीड करने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए होती है? प्रॉपर जजमेंट, तो जजमेंट तो चाहिए होता है, ठीक है, इमेजिनेशन बिल्कुल चाहिए होता है। सी की बात करें, इमेजिनेशन, इंसाइट एंड जजमेंट, तो यहाँ देखो तीनों की बात कर दी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर रहेगा। डी देख लेते हैं फिर भी, डी कहते हैं नन ऑफ दिस, तो ये भी नहीं आंसर हो सकता हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा सही आंसर रहेगा, इमेजिनेशन, इंसाइट एंड जजमेंट। ठीक है, चलिए बात करते हैं 6 to 7 क्वेश्चंस की। ठीक है, इसमें आपको बताना है सिनोनिम, ठीक है, चूज अ वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, कमांड, कमांड का मतलब होता है किसी को क्या देना, इंस्ट्रक्शन देना, किसी को ऑर्डर देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है लीड, लीड करना मतलब डायरेक्शन दिखाना, जैसे हमारे बड़े जो है हमें लीड करते हैं, लीडर जो होता है अपने सबॉर्डिनेट को लीड करता है। मैनेज करना, चीज़ों को मैनेज करना, व्यवस्थित करना। सुपरवाइज करना मतलब निरीक्षण करना, क्या काम हो रहा है उसको जो है बारीकी से देखना। और इंस्ट्रक्ट करना मतलब ऑर्डर देना, तो कमांड का एग्जैक्ट सिनोनिम जो है हमारा रहेगा इंस्ट्रक्ट। ठीक है, क्योंकि कमांड में भी ऑर्डर दिया जाता है और इंस्ट्रक्ट में इंस्ट्रक्शन दी जाती है, यानी कि ऑर्डर दिए जाते हैं, तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जीनोम, जीनोम का मतलब होता है ड्वार्फ, ड्वार्फ मीन्स बोना। ठीक है, जीनोम, जीनोम का जो है हम उसको भी बोल सकते हैं, जैसे पार्क में छोटे छोटे पुतले बना दिए जाते हैं, ठीक है, या तो एंटरटेनमेंट के पर्पस से उसको बना दिया जाता है, ठीक है, तो उसको भी जो है हम जीनोम कह सकते हैं। ठीक है, जीनोम उसको भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जायंट, जायंट का मतलब होता है बहुत विशाल, ह्यूज। नेटिव का मतलब होता है लोकल, जैसे जो जहाँ पे पला बड़ा है तो वो उस जगह का क्या हो गया, नेटिव हो गया। ठीक है, ड्वार्फ का मतलब होता है बोना, और एलियन का मतलब होता है ऐसे लोग जो हमारे यहाँ के नहीं है, स्ट्रेंजर है हमारे लिए। ठीक है, जो हमारी लोकेलिटी के नहीं है, जो हमारी कंट्री के नहीं है, तो वो भी जो है क्या है, एलियन है। ठीक है, तो जीनोम का जो सिनोनिम रहेगा वो क्या रहेगा, ड्वार्फ। ठीक है, जीनोम का सिनोनिम रहेगा ड्वार्फ, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 8 to 9 क्वेश्चन में आपको बताने अपोजिट, चूज अ वन विच इज अपोजिट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, बुद्धिमान, प्रूडेंट का मतलब वाइज, बुद्धिमान। ऑप्शन नंबर ए है सिली, सिली का मतलब मिस्टेक, कोई छोटे कहते हैं ना सिली मिस्टेक होगी, बहुत मामूली सी। ठीक है, और इडियोटिक मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, ठीक है, फुलिशनेस, जो फुल ऑफ फुलिशनेस, तो फुलिशनेस नहीं बोलेंगे इडियोटिक को, बोलेंगे फुल ऑफ फुलिशनेस, क्योंकि इडियोटिक जो है यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, इडियोटिक पर्सन बोल सकते हैं, इडियोटिक मूवी कह सकते हैं, इडियोटिक एक्ट कह सकते हैं। ठीक है, इडियोटिक एक्ट मीन्स ऐसा काम जो कि इडियोटिक है, मूर्खता से भरा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है पुअर, पुअर यानी कि बेचारा या गरीब। अनवाइज, अनवाइज का मतलब होता है जो बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, तो प्रूडेंट का मतलब जो होता है वाइज होता है, और अनप्रूडेंट का मतलब यानी कि अनवाइज, तो इसका एंटोनिम रहेगा क्या, अनवाइज। ठीक है, एडियोटिक क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि एडियोटिक जो है इसका मतलब है मूर्खता से भरा हुआ, मूर्ख नहीं है इसका वर्ड, इसका मीनिंग, इसका मीनिंग है मूर्खता से भरा हुआ। ठीक है, हमें चाहिए मूर्ख वर्ड, ठीक है, जो वाइज नहीं है, ठीक है, जो समझदार ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो प्रूडेंट का जो एंटोनिम रहेगा वो अनवाइज रहेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त, छोटा। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, बड़ा। एक्सटेंडेड का मतलब होता है कोई छोटी चीज़ है उसको एक्सटेंड कर दिया, मतलब बढ़ा दिया। ठीक है, प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है प्रोलोंग्ड, प्रोलोंग्ड मीन्स जो लंबे टाइम से चली आ रही है, लास्टिंग फॉर अ
लॉन्ग टाइम, ठीक है, लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम मीन्स प्रोट्रैक्टेड, प्रोलॉन्ग, बहुत लंबे टाइम से चली आ रही हो, जैसे प्रोलॉन्ग डिजीज होते हैं, तो प्रोलॉन्ग डिजीज़ वो होते हैं जो बहुत लंबे टाइम से बीमारी चली आ रही है, उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग डिजीज़, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है लेंदी, लेंदी का मतलब है बड़ा है, काफ़ी लेंदी है, ठीक है। और इलोंगेटेड, इलोंगेटेड का मतलब भी क्या होता है, एनलार्ज, जैसे एक्सटेंडेड का मतलब होता है एनलार्ज, बड़ा करना, एलोंगेटेड का मतलब भी क्या होता है, बड़ा करना। तो यहाँ जो है एक्सटेंडेड में, इलोंगेटेड में जो है बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। प्रोट्रैक्टेड में जो है रिलेटेड टू टाइम है, ठीक है। और लेंदी में क्या है कि वो ऑलरेडी जो है चीज़ लेंदी है, एक्सेसिव है, लेंदी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि नेगेटिविटी को शो कर रहा है कि लेंदी है, मतलब उसमें जितनी ज़रूरत थी उतनी तो है लेकिन उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा है, ठीक है, उससे एक्स्ट्रा है तो वो लेंदी है, ठीक है, जितनी होनी चाहिए चीज़ें उससे ज़्यादा है, तो लेंदी जो हो गया वो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, कंसाइज का एंटोनिम जो होगा वो होगा लेंदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, हमें पूछ रखा है स्पेलिंग, स्पेलिंग जो है आपको बतानी है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो वर्ड जो हमें दे रखा है वो दे रखा है लोकेशियस, लोकेशियस जो है उसका मतलब होता है बातूनी, ठीक है, लोकेशियस का मतलब होता है बातूनी। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए बी और डी में जो स्पेलिंग दी हुई है लोकेशियस की वो गलत दी गई है, ऑप्शन नंबर सी में जो लोकेशियस की स्पेलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन में, सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर्स और लीव्स, क्या कहता है कि बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट जिसमें फ्लावर्स नहीं होते, फूल नहीं होते, लीव्स नहीं होती, उसकी में पत्तियाँ नहीं होती, विच कैन ऑफन कॉज डिजीज, जो कॉज का कारण बन सकता है, किस चीज़ का कारण बन सकता है, डिजीज़ का कारण बन सकता है, यानी कि बीमारी फैला सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्या, देखो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है। अमीबा होता है, अमीबा एक सिंगल सेल होती है, एक सिंगल सेल होती है, उस सिंगल सेल का एनिमल होता है, ठीक है, अमीबा जो होता है एक सिंगल सेल का, मतलब उसकी एक ही सेल होती है, बहुत सारी सेल्स नहीं होती इसमें, एक ही सेल होती है और वो एक सिंगल सेल का एनिमल होता है, ठीक है। बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। वायरस जो होते हैं वो स्मॉल पीसेस होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल के, ठीक है, स्मॉल पीसेस होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल के, वो वायरस होते हैं। तो जो जो प्लांट की कैटेगरी में आएगा अगर इन चारों में से, जैसे इसमें पूछा भी गया है प्लांट, तो प्लांट की कैटेगरी में अगर कुछ आएगा तो वो आएगा फंगस, ठीक है, प्लांट की कैटेगरी में आएगा वो आएगा फंगस। तो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो हमारा सही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इडियम फ्रेजेस के ऊपर बेस्ड हैं, तो 12th क्वेश्चन है, इंस्पाइट ऑफ द इमेंस प्रेशर एक्सक्रीटेड बाय द मिलिटेंट्स द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड नॉट टू गिव इन, कहता है कि इंस्पाइट ऑफ द मीन्स इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, लेकिन डिस्पाइट होता तो यहाँ पे ऑफ नहीं लगता, तो डिस्पाइट अकेला आता है लेकिन इंस्पाइट अपने साथ ऑफ लेके आता है, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ द इमेंस प्रेशर, कि इमेंस प्रेशर, इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक्सट्रीम, इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हैवी, तो हैवी प्रेशर होने के बावजूद भी, ठीक है, एक्सक्रीटेड बाय द मिलिटेंट्स, एक्सक्रीटेड मतलब जो उन्होंने एक्सक्रीट किया, जो उन्होंने उत्पन्न किया, ठीक है, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया, यानी मिलिटेंट जो है बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे गवर्नमेंट को, तो उस प्रेशर के बावजूद भी जो है द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया नॉट टू गिव इन, कि वो गिव इन नहीं करेगी, क्या नहीं करेगी, गिव इन नहीं करेगी। गिव इन का मतलब क्या होता है, गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना, गिविन का मतलब सरेंडर करना, यानी कि आत्मसमर्पण कर देना। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भले ही जो प्रेशर जितना भी हो लेकिन हम क्या नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, टू कंसीड, यानी कि उनकी मानेंगे नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा यील्ड। गिविन का जो मीनिंग होता है वो होता है यील्ड। अब यील्ड के दो मीनिंग होते हैं, यील्ड का मतलब तो एक प्रोड्यूस भी होता है, जो फसल जैसे खेतों में फसल उगती है तो उस प्रोड्यूस को भी क्या कहते हैं, यील्ड कहते हैं। लेकिन यील्ड का दूसरा मीनिंग भी होता है सरेंडर कर देना, यील्ड का दूसरा मीनिंग क्या है, सरेंडर कर देना। तो इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है द यंग एंड द ओल्ड सेट चेक बाय जॉल इन द लार्ज ऑडियंस, तो देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि द यंग एंड द ओल्ड। अब देखो एंड जो है किन दो चीज़ों को जोड़ रहा है, एंड जो है कंजंक्शन होता है, किन दो चीज़ों को जोड़ रहा है, यंग को और ओल्ड को, ठीक है, द यंग एंड द ओल्ड,
ठीक है, ओल्ड से पहले भी आर्टिकल लगा है, यंग से पहले भी आर्टिकल लगा है, दो अलग अलग चीज़ों की बात कर रहा है ये, यंग की यानी कि यंग जनरेशन की और ओल्ड जनरेशन की। द यंग एंड द ओल्ड सेट, सीट की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है सेट, चेक बाय जॉल, वो चेक बाय जॉल बैठे थे कैसे बैठे थे, चेक बाय जॉल, इन द लार्ज ऑडियंस, बड़ी ऑडियंस में, बहुत सारी ऑडियंस में जो है वो यंग और जो ओल्ड थे वो चेक बाय जॉल बैठे थे। चेक बाय जॉल का मतलब होता है पास पास बैठना, ठीक है, चेक बाय जॉल का मतलब बिल्कुल समीप, निकट, ठीक है, अगल बगल में। तो आंसर क्या आएगा, वेरी नियर, ठीक है, वेरी फार नहीं आएगा, टंग टाइट नहीं आएगा, इरिटेटेड नहीं आएगा, क्या आएगा, वेरी नियर, चेक बाय जॉल मीन्स वेरी नियर। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन जो है, 14, 15 and 16 क्वेश्चन जो है हमारे एरर बेस्ड हैं। स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट, देखो स्कार्सली क्या है, एक एडवर्ब है, एडवर्ब से जब किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट से पहले लगती है, तो यहाँ पे लगी हुई है आई से पहले जो है हेल्पिंग वर्ब हैड लग गई, बिल्कुल ठीक लगी हुई है। स्कार्सली हैड आई अराइव्ड, यहाँ तक बिल्कुल कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती हमारे कहाँ है कि स्कार्सली का पेयर जो होता है वो वैन से होता है, स्कार्सली का पेयर वैन से होता है, ठीक है, नो सूनर का देन से होता है, हार्डली और स्कार्सली का वैन से होता है और नो सूनर का देन से होता है, तो स्कार्सली का क्योंकि वैन से पेयर है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वैन आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग, देखो क्या कह रहा है द रीज़न, भाई कारण जो है कि क्यों उसे रिजेक्ट कर दिया गया, वॉज रिजेक्टेड इज एम आर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या दिखाती है, पैसिव फॉर्म दिखाती है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, किसी के थ्रू किया गया होगा, तो ही वॉज रिजेक्टेड वॉज, वो रीज़न बता रहा है वॉज, वो था, क्या रीज़न था, ही वॉज टू यंग, बिकॉज ही वॉज टू यंग, बिकॉज हटा देंगे, क्यों, क्योंकि रीज़न और बिकॉज साथ में नहीं आते, बिकॉज भी क्या बताता है कारण और रीज़न भी क्या है कारण, तो रीज़न अगर आ गया तो बिकॉज नहीं आएगा, ठीक है, रीज़न अगर आ गया तो बिकॉज नहीं आएगा, तो यहाँ पे बिकॉज हटा देंगे, ठीक है, इसका रीज़न था कि वो टू यंग, कि वो बहुत छोटी थी इसलिए जो है इसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो वो यहाँ पे बिकॉज हटा देंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, कहते हैं कि टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स, जो टीचर्स हैं बहुत से स्कूल्स के, ठीक है, मेट मिले टू डिस्कस करने के लिए, डिस्कस अबाउट, डिस्कस किसके बारे में, हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, कि किस तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश जो है बढ़ाई जा सके, इम्प्रूव की जा सके, तो देखो डिस्कस जो है, डिस्कस के बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती है, ठीक है, क्यों, डिस्कस के बाद अबाउट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डिस्कस का मतलब ही होता है टॉक अबाउट, ठीक है, डिस्कस का मतलब ही होता है टॉक अबाउट समथिंग, टॉक अबाउट एनी मैटर, तो डिस्कस का जो मीनिंग है, डिस्कस इज इक्वल टू टॉक अबाउट, तो डिस्कस के अंदर अबाउट जो है ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व है, इसीलिए दोबारा अबाउट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो डिस्कस के बाद अबाउट नहीं आएगा, अबाउट हटा देंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है, फिलर बेस्ड क्वेश्चन है, ऑल डिसीजंस डैश आर लाइकली टू बी टेकन बाय कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है सहमति, सभी की सहमति जब हो जाती है उसको बोलते हैं कंसेंसस, एक मत, ऑल डिसीजन, सभी डिसीजन जो हैं डैश आर लाइकली टू बी टेकन, वो लिए जाएंगे, ठीक है, आर लाइकली टू बी टेकन, वो लिए जाएंगे बाय कंसेंसस, वो सहमति से लिए जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शंस क्या हैं, एनी हाउ मतलब किसी भी तरह से, ठीक है, फॉर एवर मीन्स हमेशा, सम हाउ मीन्स भी किसी भी तरह से, और हाउ एवर मीन्स हालांकि, तो वो कह रहा है कि जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे किसी भी तरीके से, जो लिए जाएंगे जो भी डिसीजन रहेगा, जो सभी डिसीजन है आर लाइकली टू बी टेकन, वो किसी भी तरीके से कैसे लिए जाएंगे, कंसेंसस से लिए जाएंगे, सहमति से लिए जाएंगे, ठीक है, हमेशा और हालांकि की सेंस तो नहीं है इसमें, ये कह रहा है कि डिसीजन जो लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे, किसी भी तरीके से कंसेंसस पे के बेस पर ही होंगे, ठीक है, तो ए भी बताते हैं एनी हाउ और सम हाउ भी बता रहे हैं किसी भी तरीके से, एनी हाउ भी बता रहे हैं किसी भी तरीके से, लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो है नॉट नहीं है, ये एक नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसीलिए जो है हम एनी हाउ ना लगा के क्या लगाएंगे, सम हाउ लगाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो हमारा सही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कुमार डैश बॉय स्वैम अक्रॉस द सी फॉर सेफ्टी, डैश बॉय स्वैम अक्रॉस द सी, वो जो है समुद्र को जो है पार कर गया, तैर गया फॉर सेफ्टी के लिए, ठीक है,
अब हमें ये बताया गया कि कुमार के बारे में बताया गया, अ 17 ईयर्स ओल्ड बॉय, अ 27 ईयर ओल्ड बॉय, अ 17 ईयर एज्ड बॉय, द 17 ईयर ओल्ड बॉय। तो देखो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, दा तो लगाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं कि बॉय है, जो आर्टिकल लगता है वो किसके लिए लगता है, वो आगे आने वाले नाउन के लिए लगता है। तो नाउन क्या दे रखा है हमें, बॉय दे रखा है, ठीक है, बॉय क्या दे रखा है, एक नाउन दे रखा है, उसके लिए आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा, उसके लिए आर्टिकल ए लग गया, अब बॉय, ठीक है। अब उसके बारे में बता रहे हैं कि कौन भाई वो, किसकी उसकी जो उम्र है वो बता रहा है, ठीक है। अगर हम लिखते हैं अ 17 ईयर्स ओल्ड बॉय, अगर हम लिखते हैं अ 17 ईयर्स ओल्ड बॉय, तो देखो ए तो हो गया आर्टिकल, बॉय हो गया नाउन, अभी बीच में जितना भी दे रखा है 17 ईयर्स ओल्ड, ये है सारा का सारा एडजेक्टिव, ये है एडजेक्टिव, किसको क्वालिफाई कर रहा है, बॉय को, 17 ईयर्स ओल्ड बॉय, ठीक है, कौन सा बॉय, जो 17 साल का है, तो 17 ईयर्स ओल्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव हो गया, 17 ईयर्स ओल्ड जो है एडजेक्टिव हो गया, और कभी भी एडजेक्टिव जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, किसका सिंगुलर और प्लूरल बनाया जा सकता है, केवल नाउन का, एडजेक्टिव का तो नहीं बना सकते, तो क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो यहाँ पे ईयर्स नहीं आएगा, यहाँ क्या नहीं आएगा, ईयर्स नहीं आएगा, तो ये एस हटना चाहिए था, लेकिन यहाँ एस दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा, ठीक है। बात करते हैं अ 27 ईयर ओल्ड बॉय, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ, अ 27 ईयर ओल्ड बॉय, बस यहाँ पे बाकी में 17 है, यहाँ पे 27 कर दिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ग्रामेटिकली हमारा सही होना चाहिए, अ 27 ईयर ओल्ड बॉय, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है, यहाँ पे एस नहीं लगाया हुआ, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होते, सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। तो अ 27 ईयर ओल्ड बॉय जो है बिल्कुल करेक्ट है। बाकी देखें अ 17 ईयर एज्ड, अ 17 ईयर एज्ड, एज तो हम बोलते नहीं है, ओल्ड बोलते हैं ना, तो सी भी नहीं हो सकता, और क्योंकि हमने यहाँ पे नाउन बॉय है हमारा, इसीलिए ए आएगा, दा नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है शी इज़ ब्यूटीफुल डैश ब्रेव, शी इज़ ब्यूटीफुल डैश ब्रेव, अब जो उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो क्या है, ब्यूटीफुल है, ब्रेव है, जब दो हम पॉजिटिव क्वालिटी को बताते हैं, ठीक है, जब दो पॉजिटिव क्वालिटी को बताते हैं तो हम एंड से जोड़ते हैं, ठीक है, जब कोई दो ऐसी क्वालिटी बता रहे हैं जो बिल्कुल सेम है, यानी कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो उसको किससे जोड़ेंगे, एंड से जोड़ेंगे, लेकिन अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो उसको हम जोड़ेंगे बट से, उसको हम जोड़ेंगे बट से, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ होता हमारे पास शी इज़ ब्यूटीफुल, अगर हमारे पास ब्रेव की जगह होता डिसऑनेस्ट, कि वो ब्यूटीफुल है लेकिन बेईमान है, तो शी इज़ ब्यूटीफुल बट डिसऑनेस्ट, क्यों, क्योंकि ब्यूटीफुल तो एक पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया और डिसऑनेस्ट जो है एक नेगेटिव एडजेक्टिव हो गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ने के लिए हम बट लगाते, लेकिन ब्यूटीफुल भी जो है अच्छी क्वालिटी है और ब्रेव भी जो है अच्छी क्वालिटी है, तो दोनों को सेम क्वालिटी को जोड़ने के लिए हम एंड का यूज़ करेंगे, ठीक है, और अपोजिट को जोड़ने के लिए बट का, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एंड का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 20th क्वेश्चन है हमारा, ही पेड द केयर टेकर फॉर हिज बोर्ड एंड लॉगिंग, बोर्ड एंड लॉगिंग का मतलब क्या होता है, बोर्ड एंड लॉगिंग का मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए कहीं पे भी हम जब स्टे करते हैं तो उसको बोलते हैं बोर्ड एंड लॉगिंग, एक्चुअली में ये बोर्ड एंड लॉगिंग नहीं होता, बोर्डिंग एंड लॉगिंग होगा या फिर बोर्ड एंड लॉग होगा। तो देखो यहाँ पे जो है बोर्ड को और लॉगिंग को जोड़ा गया है एंड से, और जो है एंड जो होता है ना वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है, एंड कंजंक्शन जो होता है सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है, अगर एंड से पहले जो है 2+V1 है तो एंड के बाद भी 2+V1 होगा, अगर एंड से पहले जो है ING फॉर्म है तो एंड के बाद भी ING होगा, तो यानी कि दोनों जो पार्ट ऑफ स्पीच होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें जो है बोर्ड दे रखा है, यहाँ पे जो बोल्ड वर्ड दे रखा है वो दे रखा है बोर्ड, ठीक है, यानी जिसको हमें ठीक करना है वो दे रखा है हमें बोर्ड। तो लॉगिंग के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ एंड के बाद लॉगिंग दे रखा है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, बोर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, क्यों, क्योंकि एंड जो है सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है, एंड जो है सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है, अगर ये लॉगिंग को जोड़ रहा है बोर्ड से तो ये बोर्ड से नहीं जोड़ेगा, ये बोर्डिंग से जोड़ेगा, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी, फिर भी आपके कोई कमेंट्स अगर आप देना चाहते हैं कि आपको कोई सी चीज़ समझ में नहीं आती है या स्पीड ज़्यादा या कम लगती है या कौन से क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा परेशानी महसूस होती है, तो वो आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं, वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।